जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़रीली बेग और मेरे साथ आतिफ भाई और आतिफ भाई ग्रेट। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास मैच देख रहे हैं। आज हम दोनों साथ साथ हैं, ससई यूनिवर्सिटी में स्क्रीन लगी हुई है और पूरे पाकिस्तान का मीडिया से लाइव कवरेज कर रहा है। सर क्या लग रहा है, बड़ा टफ टारगेट दे दिया वैसे, आपकी क्या राय है? मैं सर भाई एक बात बताऊँ कि जो उम्मीद नहीं थी वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। पाकिस्तान ने कम्प्लीटली दबोच लिया इंडिया को, मतलब बॉलिंग में फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अभी बैटिंग भी चल रही है, बैटिंग भी अच्छा एवरेज जा रहा है, अच्छी तरह से खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, नज़र आ रहा है, चौकों की तरफ जा रही है बॉल लगातार। और अभी हमने यहाँ पे शो भी किया, अज़हर भाई भी थे, क्राउड जो है वो दोनों साथ साथ। तो अज़हर भाई आप बताएं कि क्राउड कैसा लगा आप? सर मैं कहता हूँ क्राउड इतना लाजवाब, मैं कहता हूँ बहुत सी जगहों पर स्क्रीन लगी है पूरे कराची में, लेकिन बट जो ससई यूनिवर्सिटी में एहतमाम किया गया है ससई यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से और फैमिलीज हैं सबसे बड़ी, तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है। और जो धमाल डाल रहे हैं जैसे अभी आपने कहा, वो एक खास मैदान बना दिए स्क्रीन के सामने, स्टेडियम वाला माहौल। ओहो हो, मैं कहता हूँ जनाब अली लाजवाब किस्म के, वहाँ बस एक चौका लगता है, छक्का लगता है, लड़के सारे नाचते हैं है? और हमने भी लड़का होने का पूरा सबूत दिया भाई, अभी जवान है यार, मतलब है सर। यही चक्कर है कि आप इतने अरसे बाद कोविड के बाद फैमिलीज को, स्टूडेंट्स को, हम लोगों को बड़े अरसे बाद हम लोगों को एक मौका मिला है कि हम यहाँ पे सर एंजॉय कर सकें, खुल के तफरी कर सकें, भंगड़ा डाल सकें और पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकें। बड़े अरसे बाद हुआ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। ज़बरदस्त जी, और आतिफ भाई और मेरे साथ, हम इनके साथ और बहुत सारी फैमिली के साथ। इंडिया किस बात पर बरमाजी करते हैं सर? बस वो फनेहा बनते हैं, उनको पीछे चार्ज कर दिया जाता है। हाँ, तो उनकी चाबियाँ टाइट हो जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान के दो डुप्लीकेट मौजूद है, वो चाबी लगाते हैं तो वो लूज हो जाते हैं। और पाकिस्तानी वो क्रिकेट टीम है, उसके अपने हाथ में मैच है, वो चाहे जीते या हारे लेकिन इस बार वो मैच जीत जाएगी, ये मैं आपको भी बता जरूर जीतेंगे और इंशाल्लाह कब लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।